Hi guys and welcome to ये तेजा तेजा क्या है, my very very new own YouTube vlog. And आज के दिन मैं आप सबके सामने कुछ interesting करने वाली हूँ, which is cooking. Yeah, basically this quarantine I have been cooking a lot and you all know that I've been coming up with a new story every day about what I've been making new. तो उसी तरह मैं आज भी कुछ नया करने जा रही हूँ और अभी रात के 9:30 हैं तो basically मैं अपने dinner के लिए late हूँ and by this time my mum is always very hyper and very angry क्योंकि मैं अभी तक नीचे नहीं गई खाना पकाने के लिए. So let's just go and see how my mom reacts when I go down to cook. तो अगर आप सभी को देखना होगा कि मेरी मॉम कैसे रिएक्ट करती है, लेट मी जस्ट गिव यू गाइस एन आइडिया. मामा रेडी है? रेडी है का? सकर पसंद रेडी? So that's my mom. And my mom's going to basically help me with my cooking today. Mama, hi. So let's just see what I cook and how I cook and y'all can see the recipe. So guys, it's decided. Aaj ki dish hai mushroom soup. और क्योंकि हम तो कोई प्रोफेशनल शेफ्स हैं नहीं, तो बहुत लोगों के वीडियोस में मैंने देखा है कि ऑलरेडी कटी हुई सब्जियाँ और ये वो सब रखते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि हमें अपनी सब्जियाँ खुद काटनी है. तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले शुरू करूँगी सब्जियाँ काटने से और सबसे पहले मुझे कट करने होंगे प्याज और कुछ मशरूम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कुछ ओट्स. आई एम गोइंग टू यूज सम ओट्स ऑल्सो इन दिस. So these are some oats that I have. Show my mixer, my dad, please. Oh, no. Okay. ये है oats. और इसको मैं मिक्सर में डालूंगी. एक कटोरी oats को. हाँ, बस. और इसको grind करके हम वापस लाएंगे. तो अब मैंने मशरूम्स काटना शुरू कर दिया है एंड वी जस्ट हैव टू लाइक कट दीज मशरूम्स रफली. तो हमारी वर्ल्ड फेमस डिश बनने के लिए मैंने प्याज ऑलरेडी काट के रख दिए है, ओट्स ग्राइंड हो चुके हैं और मशरूम्स कट हो चुके हैं और अब मैं थोड़े से गार्लिक काट रही हूँ हमारा पैन और इस पैन में जाएगा थोड़ा बहुत बटर. बटर थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली बहुत. या अब मैं डाल रही हूँ ऊपर इतना सारा बटर डाल देते हैं. बटर के साथ साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल. ऑलराइट, दैट्स इट. और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक. ओए मैंने तेल भी डाल दिया. ये दूसरी चीज है जो मैंने फिर से गिरा दी. ये गार्लिक चला गया आपका और आप कोई रैंडम चम्मच लेके ऐसे याद रखिए जब भी आप खाना पका रहे हैं और आप जब भी ऐसा ये सब्जियां हिलाने की स्टेप्स करते हैं मेक श्योर यू मूव अलोंग विद इट बिकॉज इस तरह आपका खाना भी पक जाता है और आपका वर्कआउट भी हो जाता है एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम यू कैन वर्क ऑन योर रियली रियली सेक्सी मूव्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज जस्ट यू नो इन द किचन. दैट डजंट मेक सेंस बट या just keep going. Do some booty, do some booty movements and just keep going at it. One second.
तो क्योंकि मैंने मोटी मूवमेंट्स के साथ साथ एक्सट्रीमली सेक्सी मूवमेंट्स के साथ साथ बेसिकली प्याज भी अंदर डाल दिया है, तो अब चला गया है हमारा गार्लिक और हमारा प्याज, और अब जाएगी हमारे मशरूम्स। ऑलराइट। और जैसे कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है, मैं जब भी ऐसे मूव करती हूँ ऐसे तो बर्तन भी हिलने लग जाता है। सो दिस इज व्हाट यू होल्ड द बर्तन ग्रैब ऑन टू इट लाइक यू लव इट एंड यू विल नेवर लेट इट गो। दैट बर्तन इज योर लाइफ। बर्तन नहीं तो अंदर सब्जी नहीं तो आपकी डिलीशियस रेसिपी नहीं बनेगी। सो बेसिकली इन द एंड व्हाट यू रियली रियलाइज एंड व्हाट मैसेज आई वांट टू गिव थ्रू दिस वीडियो इज बेसिकली ये है, ये पकड़ अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आपकी डिश बहुत मजबूत बनेगी। लेट इट कुक। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे हमारे वर्ल्ड फेमस ओट्स की पाउडर जो ओट्स की पाउडर हमने बनाई थी वो जाएगी। कुछ वर्ल्ड फेमस नहीं है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मशरूम सूप कम बनने वाला है और ओट्स सूप ज़्यादा। और यही तो चीज़ है किचन में, आप कुछ डिश बनाने आते हो और वो डिश कुछ और ही बन जाती है। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस पीपल, एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑलवेज कीप वेलकमिंग सरप्राइजेस इन योर लाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट इज लाइफ एंड लाइफ इज अ सरप्राइज। एंड अगर आपको ये मेरी स्टेटमेंट समझ आई हो, गुड फॉर यू, कीप मेकिंग इट। कर रही थी और बहुत ज़्यादा सेक्सी मूव्स कर रही थी जैसे कि आप मुझे जानते ही हो, क्वीन ऑफ सेक्सी मूव्स। तो हमने साथ ही साथ साइड में वेजिटेबल ब्रॉथ रेडी कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस वेजिटेबल ब्रॉथ इन माई सूप। लेट्स गो फॉर इट एंड कीप मिक्सिंग ताकि नीचे कोई चीज़ ना रह जाए, कोई चीज़ ना रह जाए, नीचे चीज़ ना रह जाए। वाह, मिक्स करो, सेक्सी मूव्स करो। ओके, और हम डालेंगे थोड़ा सा पेपर, और अब डालेंगे हम एक चम्मच ओरेगानो। ओके, ये एक चम्मच ओरेगानो। ये हमारा सूप ऐसे दिख रहा है बस। तो मैंने अपने सूप में आधा लीटर ऑलमोस्ट दूध डाल दिया है। वेजिटेबल स्टॉक डालने के बाद मैंने आधा लीटर दूध डाला हुआ है और अब उसे 4-5 मिनट हम बॉयल करते रहेंगे उसको ढक के, और तब तक मैं आगे की जो चीज़ें डालनी है सूप में वो कटिंग कर रही हूँ, विच इज़ बेसिकली धनिया। धनिया को काटने से पहले आप धो के लीजिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सूप बहुत थिक और बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज टेक अ लुक। Mushroom soup. It was very healthy and extremely yummy, like all the other dishes that I make. And this was just one of the various things that I'm going to be doing in this vlog of mine. And I hope you all liked it. So if you all did, please press like and subscribe to Ye Teja Teja Kya Hai. And let's keep this going.